हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग हैकर रैंक की एक और प्रॉब्लम पिक करते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है एनसीआर टेबल। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है और मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। जिम जिम इज डूइंग हिज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होमवर्क विच रिक्वायर्स हिम टू रिपीटेडली कैलकुलेट एनसीआर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। नोइंग दैट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ही गोज टू हिज सिस्टर जून फॉर हेल्प। जून बींग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नोज हाउ टू कन्वर्ट दिस इन टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड जनरेट द आंसर्स क्विकली। शी टेल्स हिम बाई स्टोरिंग द लोअर वैल्यूज ऑफ एन सी आर वन कैन कैलकुलेट द हायर वैल्यूज यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। इफ यू आर जून, हाउ विल यू कैलकुलेट एन सी आर वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन? सिंस एन सी आर वैल्यूज विल बी लार्ज, यू कैन यू हैव टू कैलकुलेट देम मॉडुलो 10^9। सो इनफैक्ट इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज की एन सी आर कैलकुलेट करनी है, और एक सीक्वेंस में एन सी आर कैलकुलेट करने के लिए आपको हर बार नए सिरे से अपना कंप्यूटेशन स्टार्ट नहीं करना है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एनसीआर का कंप्यूटेशन है वो काफी लेंदी हो सकता है और जो बड़े नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए जो भी आप आंसर्स प्रोड्यूस करें वो मॉड्यूलो 10^9 के साथ कैलकुलेट करना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को हमने कहीं देखा है। इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देन यू मस्ट हैव डिजाइन अ सीरीज इन दी फर्स्ट ईयर जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते थे। सो हम पास्कल्स ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास हमें तीन एनसीआर जनरेट करने हैं, एक NC0, एक NC1, एक NC2। और हम इसको मान लेते हैं कि हम एन की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, सो कहेंगे कि 2C0 में जनरेट करना है, 2C1 जनरेट करना है एंड 2C2 जनरेट करना है। इसको करने के लिए मैं एक सिंपल सी अर्थमेटिक करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं पास्कल्स ट्रायंगल को बनाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि अगर मुझे 2C0 से लेकर 2C2 तक जनरेट करना है, तो मैं एक टेबल ले लेता हूँ और ये 2D एरे की तरह से हम इसको मान रहे हैं, और इसमें तीन रोज एंड 4 कॉलम्स हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास है। और मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि इसके सभी सेल्स में 0 वैल्यूज हैं इनिशियली। इसके बाद अगर हमने एन की वैल्यू को 2 माना है, तो यहाँ पे जस्ट एक एक और हम इसमें ले लेते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं कि हमने 0, 1, 2, 3 यहाँ पे हमने 1 ले लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों सेल्स का सम करके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों सेल्स का सम करके यहाँ स्टोर कर देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा। इन दोनों सेल्स का सम करके स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 ऑलरेडी है। फिर इन दोनों सेल्स का सम करके हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, फिर इन दोनों सेल्स का सम करके यहाँ स्टोर कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। एंड देन 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो ये जो सेकेंड रो है या 2 नंबर जो रो है, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 2 इंडेक्स जो हमारे पास वैल्यूज हैं, यही हमारा आंसर है। जो 2C0 की वैल्यू है वो 1 होती है, 2C1 की जो वैल्यू है वो 2 होती है, और 2C2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हमें क्या करना है कि एक एरे में स्टोर करके या एक वेक्टर में स्टोर करके हम इन वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेट्स से इसी को हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 4 ये सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं। लेट्स से 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4 जनरेट करना है। तो इसके लिए आप एक टेबल मान लीजिए कि आपके पास है, और उस टेबल में जो नंबर ऑफ रोज है वो 4 + 1 रोज होंगी, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 4 + 2 6 कॉलम्स होंगे। So, हमने 5 रोज और 6 कॉलम की एक मैट्रिक्स बना ली।
लाइक दिस, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड हेयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि आप 4 के कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हैं, इसलिए 0 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम में 1 वैल्यू सेट करिए। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी प्लेसेस पे 0 है इन इस पूरे मैट्रिक्स में। नाउ इन दोनों का जो सम है यहाँ स्टोर हमने किया, इन दोनों का सम हमने यहाँ पे स्टोर किया, इन दोनों का सम हमने यहाँ पे स्टोर किया, ये सारे 0 वैल्यूज हैं। इन दोनों का सम हमने यहाँ स्टोर किया, यहाँ पे 1 आया, इन दोनों का सम हमने 1 यहाँ पे स्टोर किया और यहाँ पे 0 है। एंड देन इन दोनों का सम हमने यहाँ स्टोर किया 0, इन दोनों का सम हमने यहाँ स्टोर किया 0, इन दोनों का सम हमने यहाँ स्टोर किया 1, इन दोनों का सम हमने यहाँ स्टोर किया 2, इन दोनों का सम हमने यहाँ स्टोर किया 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। फिर हमने इन दोनों का सम यहाँ स्टोर किया 0, इन दोनों का सम यहाँ पे 1, इन दोनों का सम यहाँ पे 3, इन दोनों का सम यहाँ पे 3, इन दोनों का सम यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। फाइनल फाइनल रो हम जनरेट करें जिसमें कि इन दोनों को हमने सम किया, यहाँ 1 आया, इन दोनों को सम किया यहाँ पे 4 आया, इन दोनों को सम किया यहाँ पे 6 आया, इन दोनों को सम किया हमने यहाँ पे 4 आया और इन दोनों को सम किया यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 है। तो जो 4 नंबर रो है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही आपके आंसर है एक्सेप्ट द लास्ट वन। आप इसको किसी एरे में या किसी वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर दीजिए, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो पास्कल्स ट्रायंगल अगर आप जनरेट कर लें, पास्कल्स ट्रायंगल में जो लास्ट रो होगी वही आपका आंसर होगा, ये हमने यहाँ से रियलाइज किया है। और यहाँ पे हमें अगर एन के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि आपको n+1 रोज और n+2 कॉलम की एक मैट्रिक्स बनानी होगी। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ये सॉल्व नाम का फंक्शन गिवन है, इसमें वैसे तो वेक्टर इंटीजर रिटर्न करने की बात कहा था, लेकिन चूंकि हमें 10^9 से मॉडुलस करके आंसर देने हैं, इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग टाइप का एक वेक्टर है। हमने m को पहले ही एक मैक्रो की तरह से डिक्लेयर कर लिया है और m की वैल्यू 10^9 है, इसका मतलब है कि 1 फॉलोड बाय 9 जीरोस। हमें सबसे पहले एक 2D array की जरूरत है, अगर हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम 2D array ले लेंगे, और यहाँ पे हम C++ में कोडिंग कर रहे हैं इसलिए हम वेक्टर ले रहे हैं, और इस वेक्टर में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो n+1 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो n+2 है। किसी भी वेक्टर का डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 वैल्यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि सारे पोजिशंस पे 0 है। फिर 0 नंबर रो और nth नंबर कॉलम में 1 वैल्यू हमें सेट करनी है। फिर रो नंबर 1 ऑनवर्ड्स सभी एंट्रीज को हमें फिल करना है मैट्रिक्स में, सो रो नंबर 1 से लेके रो नंबर n तक। और उसके बाद सबसे पहले हम रो नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स को फिल करेंगे, तो कॉलम नंबर 0 ऑनवर्ड्स अप टू कॉलम नंबर n। तो आपको अभी अभी जस्ट मैंने बताया, एक एग्जांपल से एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कि मान लेते हैं कि हमें 4 वाला मैट्रिक्स जनरेट करना है, तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं 6 और नंबर ऑफ रोज लेनी है 5, इसीलिए n+1 रोज एंड n+2 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे सेल्स में वैल्यूज 0 होंगी। 0 नंबर रो के nth नंबर कॉलम में हमने 1 रख दिया, मतलब कॉलम नंबर 4 में। अब 1 नंबर रो ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का जो सम है वो यहाँ स्टोर होगा। तो अगर हम मैट्रिक्स को m मान रहे हैं, या जो हमारा 2D array है या वेक्टर है उसको हम m मान रहे हैं, तो उस केस में हम अगर ith रो पे करेंटली हैं तो हमें i-1 रो पे जाना है। अगर हम j कॉलम में करेंटली वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो करंट कॉलम j और उसके आगे वाला कॉलम जो j+1 है, इन दोनों की वैल्यूज को सम करके आप यहाँ पे स्टोर कर दीजिए। सो आप फार्मूला क्या बना रहे हैं कि MIJ = लास्ट रो के jth कॉलम की एंट्री और लास्ट रो के J+1 कॉलम की जो एंट्री है उन दोनों को सम कर लीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सम है वो बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो दोनों को सम करने के बाद आपने मॉडुलस एम ले लिया है, जिससे कि वैल्यू अगर रेंज को क्रॉस कर रहा है तो उस रेंज में एडजस्ट हो जाए। जब आपने आंसर को प्रोड्यूस कर लिया है या आपने मैट्रिक्स बना लिया है, तो एक आंसर नाम का एक वेक्टर ले लीजिए, और इस वेक्टर में हमने क्या किया है कि लास्ट रो की एंट्रीज को हमें फिल करना है, इसलिए हमने लास्ट रो को मान लिया कि वो आई है, और उसके बाद फिर लास्ट रो में एन कॉलम तक सभी वैल्यूज को हमें एंट्री कराना है MIJ मैट्रिक्स में, MIJ मैट्रिक्स से इन वैल्यूज को आंसर वेक्टर में स्टोर कराना है।
तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आई इज इक्वल टू एन लिया, मतलब कि हम लास्ट रो को रेफर कर रहे हैं, और इसके बाद फिर जीरो कॉलम ऑनवर्ड्स, मतलब कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें एक आंसर नाम के वेक्टर में स्टोर कराना है। सो आंसर डॉट पुश बैक एम आई जे, ये हमने कंडीशन चेक किया है कि एम आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम इसमें पुश कराएं। आप नहीं भी लेंगे कंडीशन तब भी चलेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें जीरो हमें नहीं मिलेगी अगर हमने सही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम वाली मैट्रिक्स बन लिया। तो ये हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था इस प्रॉब्लम का। आइए इस प्रॉब्लम को हम सबमिट करके देखते हैं, रन करके पहले देखते हैं एंड देन सबमिट करेंगे। तो ये हमारा सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं एंड देन वी आर सबमिटिंग दिस प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं ऑल अदर टेस्ट केसेस हैव आल्सो गॉट पास्ड, सो इट मींस दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्वड करेक्टली। सो ये प्रॉब्लम है एनसीआर टेबल, ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है इन दी हैकर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग।